नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है। ऐसे में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जा रहा था। खासकर अगर हम बात जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह की बात करें और जेडीयू के तमाम बड़े नेता और छोटे नेता सभी मिलकर महाराणा प्रताप की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते थे, उनकी पुण्यतिथि को बड़े धूमधाम से मनाते थे। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, इसमें तमाम जेडीयू के छोटे बड़े नेता मौजूद है, तमाम राजपूत नेता के साथ कई और नेता भी है। अगर बात संजय सिंह की कर ले या फिर बात हम लेसी सिंह की कर ले, ये सभी वहां मौजूद है। इसके साथ राजपूत नेता के साथ कई अन्य नेता भी आए हैं, जैसे में अशोक चौधरी आए हैं। सभी लोग महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, उनको फूल चढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत बड़े स्तर पर होता था, बड़े बड़े स्तर पर आयोजन की जाती थी, प्रेस वार्ता होती थी, लेकिन कोरोना को मद्देनजर देखते हुए इस चीज का जो आयोजन है ये कम स्तर पर किया गया है। बहुत कम लोग मौजूद है, लेकिन फिर भी केंद्र में जो भी कैबिनेट के मंत्री है, कई मंत्री भी वहां पर मौजूद है, जेडीयू के तमाम नेता मौजूद है। ऐसे में जो मौके पर जब संजय सिंह से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ बताया है इस बारे में, आप खुद सुनिए। देखिये, 19 जनवरी को महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाया जाता है। हम लोग भी हर साल मनाने का काम किए हैं, भव्य रूप से, रैली के रूप में। इस बार कोरोना के बढ़ते बीमारी के कारण उसको सीमित हम लोग दल के सभी नेता मौजूद थे और एक स्वाभिमान दिवस के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग बताने का काम करते हैं, पूर्वजों को कैसे सम्मान दिया जाता है। हमारे नेता नीतीश कुमार ने पूर्वजों को, हर जाति धर्म के पूर्वजों को सम्मान देने का काम किया। आज हम लोग एक मैसेज देंगे युवा आने वाला पीढ़ी के लिए कि महाराणा प्रताप वीर योद्धा, एक महाराणा प्रताप का अलग पहचान था, देश और दुनिया में लोग उनको जानता था। आज हम लोग उनको पुण्यतिथि मना के उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये इस बार नहीं, अगले बार भी भगवान का कृपा रहा तो बहुत भव्य रूप से मनाने का काम करेंगे। हर साल निश्चित तौर पर कोरोना जाएगा, फिर देश उसी राह पर चलेगा। तो आपने देखा है किस तरीके से संजय सिंह का क्या कुछ कहना है, उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में भी बताया है। और उनका कहना है कि जो महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि होता था वो हर साल हम बड़े स्तर पर इसका आयोजन करते थे, बहुत सारे लोग आते थे। इनफैक्ट जो मीडिया कर्मी है उन्हें भी बुलाया जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि बहुत कम स्तर पर इसका आयोजन किया गया है, जिसके कारण काफी कम लोग हैं। लेकिन फिर भी राजपूत नेता के साथ ही कई तमाम बड़े मंत्री और नेता भी उपस्थित हुए हैं। सब अपनी अपनी तरफ से महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सब उनकी पुण्यतिथि पर उनको माला अर्पण कर रहे हैं, उनकी फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं और उनके जो सीख है, जो उन्होंने सीख दिए हैं, जो उनसे उपदेश मिलते हैं, उनको अपने जिंदगी में उतारने की बातें भी संजय सिंह कह रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।